चलिए दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदों यानी रीजनल काउंसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अंतरराज्य यानी राज्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव दिया तथा फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं हैं, ये संविधिक निकाय हैं, यानी स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, यानी इनके उनको विधि के द्वारा बनाया गया है, ना कि ये संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं मेंशन नहीं। इन परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत का गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इस गठन का मुख्य उद्देश्य है राज्यों के मध्य क्षेत्रीय आधार पर सहयोग एवं एकता की भावना का विकास करना। सदस्यता, तो अध्यक्ष इसका कौन होता है? गृह मंत्री, ये पदेन यानी एक्स ऑफिसियो बाई वर्चू ऑफ बींग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बिकम्स ऑटोमेटिकली द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल या सॉरी रीजनल काउंसिल। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, तो इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, प्रतिवर्ष बारी बारी से बदलते रहते हैं। संबंधित राज्य के 2 मंत्री इसमें होते हैं, प्लस संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या गवर्नर जनरल या सॉरी गवर्नर या लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। सलाहकार सदस्य हैं ये, इनको बोर्ड का भवन नहीं होता है। तो योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा मनोनीत एक सदस्य होगा, प्लस राज्य का मुख्य सचिव होगा, राज्य का विकास आयुक्त होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद यानी नॉर्थ रीजनल काउंसिल, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संबंधित जो राज्य हैं नॉर्थ रीजनल काउंसिल से, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर है। फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। फिर ईस्टर्न जो रीजनल काउंसिल है उसका मुख्यालय कोलकाता में है। वेस्टर्न जो रीजनल काउंसिल है उसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो सदन रीजनल काउंसिल है उसका मुख्यालय चेन्नई में है। इन 5 परिषदों के अलावा एक और परिषद बनाई गई है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट रीजनल काउंसिल। इस परिषद का गठन 1971 में संसद द्वारा एक नए अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। पूर्वोत्तर परिषद में 7 पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। अच्छा, इस गठन का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन का उद्देश्य क्या होता है? पहला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा संघ के मध्य सहभागिता एवं सहयोग को बढ़ाना। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सहयोग बढ़ाना तथा सीमा एवं अन्य अंतर्राज्य विवादों को सुलझाना। फिर क्षेत्रवाद, भाषावाद और अन्य संकीर्ण प्रवृत्तियों को समाप्त कर राष्ट्रवाद की भावनात्मक एकता स्थापित करना। फिर विकास योजनाओं में समन्वय एवं तीव्रता लाना। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषद केवल परामर्शदात्री निकाय होती है, यानी ये केवल रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, इसकी सिफारिश में बाध्यकारी नहीं है। तो अगर इसने कोई सिफारिश दी तो ऐसा नहीं है कंपलसरी है कि अब सरकार या सेंटर की गवर्नमेंट है उसको इसको लागू ही करना है। ये रिकमेंडरी नेचर की होती है, लागू भी कर सकती है सरकार, नहीं भी लागू कर सकती है। अब केंद्र जो राज्य संबंध है ये 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उससे प्रभावित है। तो विधायी जो संबंध है भाग 11 के अध्याय 1 में, इसमें अनुच्छेद 245 से 255 तक आते हैं। प्रशासनिक संबंध ये भाग 11 में अध्याय 2 में दिए गए हैं, 256 से आर्टिकल 256 से 263 तक। और वित्तीय संबंध भाग 12 में दिए गए हैं, वित्तीय संबंध भाग 12 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 264 से 293 तक। तो अब लेजिस्लेटिव रिलेशन देख लेते हैं। विधायी संबंध ये भाग 11 में दिए गए हैं अध्याय 1 के अनुच्छेद 45 से 55 तक। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 45 से 55 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध लेजिस्लेटिव जो रिलेशन होता है उसके संबंध प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों की 2 श्रेणियों में विभाजन करता है, एक तो विधान विस्तार की दृष्टि से और दूसरा है विधान विषय वस्तु की दृष्टि से। यानी कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, पहला दृष्टिकोण या पहली श्रेणी है कि जुरिस्डिक्शन क्या होगा। कोई भी विधि, कोई स्टेट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, ये पहला कैटेगराइजेशन है। दूसरा कैटेगराइजेशन होता है विषय वस्तु क्या होगी, विषय वस्तु क्या होगी, यानी राज्य जो कानून बनाएंगे उसकी विषय वस्तु क्या होगी, केंद्र बनाएगी उसकी विषय वस्तु क्या होगी। तो 2 आधार पर इसमें वितरण किया जा सकता है या किया जाता है। तो विधान विस्तार की दृष्टि से अनुच्छेद 245 या उपबंधित करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है। तो संसद के जो कानून है वो संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक पर्टिकुलर भाग के लिए बनाए जा सकते हैं संसद द्वारा कानून। तथा किसी राज्य विधानमंडल का उस संपूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी
भाग के लिए विधि बना सकता है। तो मान फॉर एग्जाम्पल अगर मध्य प्रदेश कोई राज्य, मध्य प्रदेश है और वो कोई विधि बनाता है तो उसके राज्य में लागू होगा, या उसके राज्य का कोई एक पर्टिकुलर एरिया है फॉर एग्जाम्पल उसके लिए ये बना रही है कानून, तो वहाँ लागू होगा। आउट ऑफ द स्टेट यानी आउटसाइड द स्टेट ये विधियाँ लागू नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर विषय वस्तु की दृष्टि से तो अनुच्छेद 246 में विधायी शक्ति का केंद्र व राज्यों में तीन सूचियों के माध्यम से विभाजन किया गया है, जिनका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची 7th शेड्यूल में किया गया है। तो इसमें जो सातवीं अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, ये सूचियाँ अनुसूची 7 में उल्लेखित है। विषयों का विभाजन या शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में किया गया है। तो अनुच्छेद 245 को देखते हैं, तो 245 एक में क्या दिया है, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी भाग तथा राज्य विधानमंडल तथा राज्य विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। फिर आर्टिकल 245 दो में संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि का राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी हो सकता है, यानी अगर भारत की संसद कोई कानून बनाती है तो भारत के बाहर भी जो नागरिक रहते हैं उन पर यह लागू हो सकता है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी संसद के पास होती है। तो अभी जो एक कानून बनाया गया था जो आर्थिक भगोड़े हैं, आर्थिक रूप से भगोड़े हैं माल्या ललित मोदी जैसे लोगों के लिए, तो वो कानून उन पर भी लागू होता है भले वो विदेश में रहते हैं। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी हो सकता है संसद के कानून का, राज्य के कानून का ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन अनुच्छेद 245 दो में दिया गया है, यह स्पष्ट कथन है कि संघ द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्राधिकार प्रवर्तन होगा, अर्थात संघ की बनाई गई विधि भारत के बाहर भी प्रवृत्त हो सकती है। इसके द्वारा संघ को राज्य क्षेत्रातीत अधिकारिता प्रदान की गई है यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन दिया गया है भारत को, वह राज्य क्षेत्राधिकार कानूनों का निर्माण कर सकती है। यह माना जाता है कि प्रत्येक संप्रभु संपन्न विधानमंडल को यह अधिकार होता है। संविधान का अनुच्छेद 245 जो कि संसद व राज्य विधानमंडल की कानून निर्माण शक्ति की सीमा का उल्लेख करता है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून इस आधार पर असंवैधानिक नहीं समझा जाएगा कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून न केवल भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर तो इसका तात्पर्य है कि संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों के संबंध में लागू होंगे, बल्कि विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और उनके संपत्ति पर लागू होंगे। संघवाद के अंतर्गत इसे राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन डॉक्ट्रिन के रूप में से जाना जाता है। अनुच्छेद 245 का खंड दो संघ की संसद को असीमित राज्य क्षेत्राधिकार अधिकारिकता प्रदान करता है, यानी इसके पास असीमित राज्य क्षेत्रातीत राज्य क्षेत्रीय अधिकारिकता है, इसके पास संसद के पास, राज्यों के पास नहीं है, याद रखिए। अब राज्य क्षेत्रीय संबंध या क्षेत्रीय समीप्य का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, अनुच्छेद 245 के अनुसार राज्य विधानमंडल को राज्य के बाहर के क्षेत्र के लिए विधान बनाने का प्राधिकार नहीं है। राज्य की विधियां राज्य की सीमा के भीतर ही लागू हो सकती हैं, उसका प्रवर्तन राज्य के बाहर नहीं हो सकता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि विधान का तनिक भी संबंध राज्य के बाहर किसी व्यक्ति उद्देश्य गतिविधि से है तो वह अविधिमान्य हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो आउट ऑफ स्टेट बस गया है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर लागू नहीं होगा या उसके कारण उसको अविधिमान्य कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय राज्य से यह अपेक्षा करते हैं कि वह कानूनों के प्रयोजन और राज्य क्षेत्र से जुड़े होने के बीच संबंध साबित करे। इसे राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहते हैं। यदि कानून की विषय वस्तु व कानून बनाने वाले राज्य के बीच पर्याप्त निकटता है तो राज्य की विधि अविधिमान्य नहीं होगी। इस सिद्धांत का संरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य और विधि की विषय वस्तु के बीच संबंध वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति अपराध करके कहाँ बैठ गया है, मध्य प्रदेश में बैठ गया, ठीक। तब उसके लिए अगर कोई विधि बनाई गई, उसकी संपत्ति के लिए कोई विधि बनाया गया, तो ऐसा नहीं है कि उस पर लागू नहीं होगा, उस पर लागू होगा, ये बात है। लेकिन ये संबंध आपको वास्तविक दर्शाना पड़ेगा, काल्पनिक संबंध नहीं कि नहीं उसकी ताई के चाचा के फूफा के, ऐसा वाला संबंध नहीं, बिल्कुल रियल संबंध होना चाहिए, रियल वैलिड रीजन होना चाहिए।
एक राज्य विधानमंडल के धार्मिक न्यासों के शासन के लिए एक अधिनियम पारित किया। उस पर इस आधार पर आक्षेप किया गया कि न्यास की संपत्ति का कुछ भाग राज्य के बाहर स्थित था। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि धार्मिक विन्यास राज्य में स्थित है, न्यासी राज्य में कार्य करते हैं, न्यास और उसकी संपत्ति के बीच का संबंध वास्तविक है, काल्पनिक नहीं, किंतु राज्य को ऐसे न्यास के लिए विधि बनाने का प्राधिकार नहीं है जो राज्य में स्थित नहीं। गुजरात के एक अधिनियम में यह उपबंध था कि गुजरात में भूमि के अधिकतम क्षेत्र की संगणना के लिए भारत के अन्य भाग में धारित भूमि को भी हिसाब में लिया जाएगा और तब यह देखा जाएगा कि भूमि निर्धारित सीमा के भीतर यह है या नहीं। यह अभी निर्धारित हुआ कि अधिनियम वैध है क्योंकि राज्य और विधि के उद्देश्य के बीच पर्याप्त राज्य क्षेत्रीय संबंध है। तो बेसिकली गुजरात में एक ऐसा अधिनियम पारित किया गया कि अगर भूमि के अधिकतम क्षेत्र की एक सीलिंग लगानी है तो हम अन्य राज्यों की व्यवस्था भी देखेंगे कि उनमें कितनी सीलिंग है ना, तो अगर उनको भी देखा जाएगा कुल मिला के। और इस जो प्रावधान है इसके तहत जो कानून है वो वैलिड था, उसको इनवैलिड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि राज्य और विधि के बीच जो उद्देश्य है, राज्य व विधि के उद्देश्य के बीच पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध था। एक कंपनी जो मुंबई के बाहर निगमित थी, यानी मुंबई के बाहर थी, मुंबई में अभिकर्ताओं और विक्रेताओं के माध्यम से वर्ग पहली पुरस्कार प्रतियोगिता चलाती थी और एक समाचार पत्र निकालती थी जिसका परिपालन मुंबई में होता था। यह पत्र मुंबई के बाहर मुद्रित और प्रकाशित होता था। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के अधिनियम को विधिमान ठहराया क्योंकि स्थायी आमंत्रण प्रारूपों का भरा जाना और धन का संदाय सभी राज्य के भीतर होते हैं और राज्य ने मुंबई में अपने द्वारा संग्रहित रकम पर कर लगाया है तो ये राज्य क्षेत्रीय संबंध संगत और वास्तविक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है मुंबई के बाहर स्थित है, मुंबई के बाहर रजिस्टर है, लेकिन जो कंपनी के अभिकर्ता हैं यानी एक्टर्स हैं, उसके विक्रेता हैं, वो यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, समाचार पत्र निकाल रहे हैं, इसका परिचालन मुंबई में ही हो रहा है, तो वहाँ पर जो महाराष्ट्र की सरकार है वहाँ पर कानून या उन पर टैक्स लगा सकती है, ये विधिमान्य है। अच्छा, इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि संविधान में संसद को असीम राज्य क्षेत्र अधिकारिकता तो दी गई है किंतु कुछ ऐसे प्रदेश या क्षेत्र हैं जो उसको दी गई अधिकारिकता में नहीं आते हैं। अनुच्छेद 240 में सूचीबद्ध संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जैसे कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आदि राष्ट्रपति को विनियमन बनाने की शक्ति है, अर्थात राष्ट्रपति यह आदेश जारी कर सकते हैं कि कोई संसदीय विधि उस विधि का कोई भाग संघ शासित राज्यों में लागू नहीं होगा आर्टिकल 240 के तहत, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में। तो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, प्रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार के इस पर्टिकुलर द्वीप पे जो ये विधि है वो लागू नहीं होगी या पूरे अंडमान और निकोबार में यह विधि लागू नहीं होगी। एक अलग से नोटिफिकेशन राष्ट्रपति को निकाल के वो उस विधि को उस राज्य में लागू होने से रोक सकते हैं। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि कोई संसदीय विधि या उसका कोई भाग राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में जो पांचवें अनुसूची में दिए गए हैं में लागू नहीं होगा। असम का राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई अधिनियम अथवा उसका कोई भाग जनजातीय क्षेत्रों स्वशासी जो जिले हैं में लागू नहीं होगा। संसद द्वारा पारित की गई विधियां भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू हो सकती हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि विशेष स्थिति में राज्य के बाहर भी लागू हो सकती है। तो विशेष स्थिति में जो यहाँ पर घटना बताई गई है ना, इस स्थिति में लागू हो सकती है ना। फिर संघ सूची व राज्य सूची के बीच ओवरलैपिंग है तो संघ सूची की प्रधानता होगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेंट्रल लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है तो अगर उस पर कोई मैटर है, फॉर एग्जाम्पल कोई जमीन का मैटर है या कोई मैटर है जो ओवरलैपिंग है यानी स्टेट भी उस पर कानून बना के रखी है और सेंटर ने भी उस पर कानून बना के रखा है, दोनों में ओवरलैपिंग सिचुएशन पाई जा रही है तो सेंटर की जो विधि है वो अधिमान्य होगी, राज्य की नहीं, अगर दोनों में कहीं पर कंफ्लिक्ट होता है तो। इसे परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये सुप्रीमेसी दी गई है सेंटर को कुल मिला के। अनुच्छेद 246 संसद संघ सूची के विषयों पर, राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर तथा समवर्ती सूची पर दोनों का समवर्ती अधिकार है। तो संसद का संघ सूची के विषयों पर, राज्य विधानमंडल का राज्य की सूची के विषयों पर और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उस पर दोनों यानी राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी। फिर 246 आर्टिकल 246 एक में संसद को सातवीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति
एक्सक्लूसिव पावर है ये, मतलब ये पावर ऐसी है जो केवल और केवल किसके पास है, संसद के पास, एक्सक्लूसिव है ये। 246(2) में संसद व राज्यों के विधानमंडल दोनों को संवर्धित सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 246(3) में राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 246(4) में संसद उस राज्य क्षेत्र के संबंध में कानून या विधि बना सकती है जो किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। तो संसद उस राज्य क्षेत्र के संबंध में कानून बना सकती है जो किसी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो कोई ऐसा कानून जो कि किसी स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट लिस्ट में आता है, उस पर भी संसद कानून बना सकती है, चाहे वह विषय राज्य सूची में ही क्यों ना हो। अब 246(a) ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड GST के बारे में विशेष उपबंध करता है, जो कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में लागू किया गया था। 246(a)(1) ये संसद व राज्यों के विधानमंडल को जीएसटी के बारे में विधि या कानून बनाने की शक्ति होगी, राज्य व संसद, संसद व राज्य विधानमंडलों को। फिर अनुच्छेद 246(a)(2) इंटर स्टेट व्यापार और वाणिज्य के दौरान संसद को जीएसटी के लिए वित्त बनाने की एक्सक्लूसिव पावर दी जाएगी। तो अगर इंटर स्टेट कहीं पर ट्रेड हो रहा है या कॉमर्स हो रहा है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी या संसद कानून बनाएगी। अनुच्छेद 243, तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं या रिस्यूडरी पावर हैं, रिज्यूजरी पावर हैं, ये कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, यानी केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट विषय अनुसूची 7 में वर्णित संघ सूची में 97 नंबर पर दर्ज है। 97वीं प्रविष्टि में इसका उल्लेख है, कोई अन्य विषय एनी अदर मैटर, फॉर एग्जाम्पल IT एक्ट पारित हुआ कब, सन 2000 में, इसके पहले IT जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इस पर अधिकार कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कोई अन्य विषय से दर्ज है जो सूची 2 और 3 में प्रगणित नहीं है और ऐसा कर जो उन सूचियों में वर्णित नहीं है। अवशिष्ट विषय पर, अवशिष्ट विषय हुआ है जो संवर्ती सूची और राज्य सूची में वर्णित नहीं है। तो जो अवशिष्ट विषय हैं या रिस्यूडरी पावर्स हैं, वो ऐसी हैं जो कि ना तो संवर्ती सूची में वर्णित है ना तो राज्य सूची में वर्णित है। तो इस पर कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल संसद बनाएगी कुल मिलाकर। अनुच्छेद 248, तो यह अनुच्छेद व इसके प्रावधान कनाडा से प्रभावित हैं। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में ये राज्यों के पास है। भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ थी, गवर्नर जनरल के पास थी। कोई विषय अवशिष्ट है या नहीं, इसका निर्धारण न्यायपालिका करती है। साइबर क्राइम अवशिष्ट विषय है, वही हमने जो बताया। हालांकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, पर कुछ परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो कुछ स्पेशल कंडीशन है जहां पर राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। पहला है अनुच्छेद 249, तो राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। कौन, राज्यसभा, परंतु यह संकल्प 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, लेकिन राज्यसभा ही दे सकती है, लोकसभा नहीं दे सकती। राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थित संकल्प, डिक्लेयर्ड बाई रेजोल्यूशन एंड सपोर्टेड बाई 2/3 ऑफ द मेंबर, ऐसा कर सकती है। इसका कानून की अवधि 1 वर्ष होगी और इसे 1 वर्ष के आगे बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन इसकी जो मूलता है संकल्प की अवधि 1 वर्ष होगी। अनुच्छेद 250, तो जब आपातकालीन उद्घोषणाएं होती हैं, इमरजेंसी जब प्रोविजंस होते हैं या इमरजेंसी जो डिक्लेरेशन होते हैं, तब अनुच्छेद 252, 200 अनुच्छेद दो अनुच्छेद 352, 356 और 360 लागू हों, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आपातकालीन की समाप्ति के बाद 6 महीने तक ये कानून लागू रहेंगे। अनुच्छेद 251, तो अनुच्छेद 249 व 50 के तहत संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि अगर राज्य विधानमंडल की विधि से असंगत है, संसदीय विधि प्रभावी होगी, अनुच्छेद 251 में दिया गया। फिर अनुच्छेद 252, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति और ऐसी विधि का अन्य राज्य द्वारा ड्राफ्टेशन किया जाता है। तो दो या दो से अधिक राज्य आपस में सहमति से जो शक्ति बनाने की शक्ति है संसद को दे सकते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदनों द्वारा संकल्प पारित करने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा और पंजाब ने कहा कि अब आप, कोई एक पर्टिकुलर विषय है जो चंडीगढ़ से रिलेटेड है,
कहा कि इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाए, संसद ही कानून बनाए। तो ऐसा ये अपने विधानसभा में या अपने जो विधानसभा है वहाँ पर एक संकल्प पारित करेंगे, रेजोल्यूशन पारित करेंगे और ये जो विषय है राज्य सूची का ये संसद को दे सकते हैं। पर यह कानून केवल अनुरोध करने वाले राज्य पर ही लागू होगा, तो यानी ये पंजाब और हरियाणा पर ही लागू होगा, ये कहीं से कहीं तक उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में लागू नहीं हो पाएगा। यह दो या दो से अधिक राज्य, यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से आग्रह करें संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने इसका आग्रह किया था, तो बट ऑब्वियस है कि जिन्होंने इसके लिए मांगा है उन्हीं को दिया जाएगा, नहीं मांगा है तो नहीं दिया जाएगा। अन्य राज्य भी अपने विधान मंडल से संकल्प पारित कर इस विधि को अंगीकार कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 253, तो अंतर्राष्ट्रीय करारों और समझौतों को लागू करने के लिए भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो अगर इंटरनेशनल कोई ट्रीटी है या कॉन्ट्रैक्ट है उसको लागू करने के लिए, एग्रीमेंट है को लागू करने के लिए संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं कभी भी तिस्ता बाटा समझौता हुआ तो इस पर भले ही ये बंगाल से होकर गुजरता है और बंगाल की सरकार ने विरोध किया, लेकिन संसद इस पर कानून बना सकती है और बंगाल कहीं से कहीं तक इसका विरोध नहीं कर सकता है। ऐसे ही अगर कभी गंगा बाटा डिस्प्यूट को जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है उसको अगर सही साबित करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश आपस में समझौता करते हैं और भारत को ट्रीटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कानून बनाना पड़ता है जो कि राज्य के हित के विपरीत होगा, तो भी संसद उस पर कानून बना सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसद को कोई रोक सके या ये असंवैधानिक नहीं होगा। तो अनुच्छेद 253, संसद को किसी विधि यानी किसी संधि यानी ट्रीटी एग्रीमेंट या कन्वेंशन अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगम या अन्य निकाय के अन्य निकाय में किए गए किसी निर्णय के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो किसी भी एक बार। तो उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947, जनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982। संघ के पास विधायी शक्तियां अधिक हैं और अपशिष्ट शक्तियां भी संघ को दी गई हैं और अनेक अवसरों पर संघ राज्य की विधायी शक्तियों पर भी अतिक्रमण कर सकता है, किंतु राज्य विधायी का संघ सूची के विषय पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो ये है। तो अनुच्छेद 254 की बात करते हैं। संसदीय विधि या राज्य विधानमंडल की विधि में असंगतता, इनकंसिस्टेंसी होने पर, यानी जो सेंट्रल लॉ है और स्टेट लॉ उसमें अगर इनकंसिस्टेंसी होती है, कोई असंगतता होती है, अनुच्छेद 254(1) में क्या गया है, क्या कहा गया है कि ऐसी स्थिति में संसदीय विधि प्रभावी रहेगी और राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। तो जहाँ तक इनकंसिस्टेंसी बढ़तेगी राज्य की विधि, वहाँ तक ये अप्रभावी हो जाएगी। कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा स्टेट गवर्नमेंट के लॉ पर। इनकेस ऑफ इनकंसिस्टेंटी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ। फिर अनुच्छेद 254(2) में समवर्ती सूची के विषय पर अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है उसमें भी संसदीय विधि प्रभावी रहेगी, पर ऐसी विरोधी विधि जो राष्ट्रपति के पास आरक्षित थी राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो इस राज्य में वह विरोधी विधि भी अभिभावी यानी प्रिवेल लागू रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मान लो समवर्ती सूची पर कोई एक्ट बना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया, और अगर दोनों में सामान्य स्थिति में अगर दोनों में कहीं टकराव है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, पर इन केस स्टेट गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति के पास ये भेजा है कि ऐसा ऐसा हमने लॉ बनाया है और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ है उससे कहीं ना कहीं हमको छूट चाहिए, तो अगर राष्ट्रपति ने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है चलो, तब फिर वहां पर स्टेट लॉ प्रिवेल कर जाएगा, ये बात है। फिर आपातकाल में संघ व राज्य विधायी संबंध कैसे होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के बाद संविधान में शक्तियों का विभाजन निलंबित हो जाता है, राज्य सूची के विषय समवर्ती सूची के तुल्य हो जाते हैं। इस आपातकाल में राज्य विधानमंडल विघटित नहीं होती है, बनी रहती है। अनुच्छेद 250 व्यवस्था करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संसद की विधि निर्माण की शक्ति का राज्य सूची पर विस्तार हो जाएगा, यानी संसद ही अब आपातकाल के समय जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बना सकती है। और ये कानून कब तक वैलिड रहेंगे, इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति संबंधी अन्य प्रावधान। यद्यपि संविधान ने राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया है, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में उन पर केंद्रीय संसद भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यानी के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है और राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए विधेयक को अस्वीकार कर सकता है।
फिर अनुच्छेद 304 बी के अनुसार राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य और समागम पर रोक है। लगाने वाले विधेयक को राज्य विधान मंडल ने प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए होगी, यानी प्रीवियस कंसेंट चाहिए होगी। ऐसा कोई कानून जो कि राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य और समागम पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर भी ऐसा किया जा सकता है, यानी कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए जा सकते हैं। तो अनुसूची 7 को अच्छे से पढ़ते हैं। शक्तियों का यह विभाजन लंबवत है, यानी वर्टिकल है शक्तियों का यह विभाजन। 7वीं अनुसूची द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन अनुसूची में 3 सूचियां हैं, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्ती सूची। संघ सूची, ये अनुच्छेद 243 के अनुसार संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, आर्टिकल 246 के अनुसार, ठीक है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल है, 97 सब्जेक्ट्स हैं। इस सूची में मूलतः 97 एंट्रीज थी, वर्तमान में भी 97 ही एंट्रियाँ रह गई हैं। तो प्रविष्टि 22 से लेकर 92 विलोपित हैं। प्रविष्टि 92 में 2 नई प्रविष्टियाँ 92A व 92B हैं। इस प्रकार संघ सूची में 97 विषय हैं। राज्य सूची, तो आर्टिकल 246 के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है। इस सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं। व्यास में संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय कम कर दिए गए थे, तो अब इसमें 61 बचे हैं टोटल। और 101वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2016 में हुआ था, के द्वारा 2 और विषय कम हो गए हैं, तो अब को टोटल इसमें 59 विषय बचे हैं। पर प्रविष्टियाँ आज भी 66 ही हैं, तो मूल रूप से तो 66 ही हैं, लेकिन इसमें विषय कितने बचे हैं, 59। एंट्रीज तो अभी भी कितनी हैं, 66 हैं, लेकिन उसमें विषय कितने रह गए हैं, 59। प्रविष्टि 11, 19, 20, 29, 36, 52 और 55 विलोपित है। फिर राज्य सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियाँ थीं, परंतु 42 में संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ, राज्य सूची के 5 विषयों, फॉर एग्जाम्पल शिक्षा, वन, नाप तोल, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अब कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें संघ व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके विषय 52 है, पूर्व में 47 थे, अब भी 47 ही है। यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया सब्जेक्ट है। तो इसमें जो इंट्रियां बेसिकली हैं कितनी हैं, 47 है, और आज भी 47 ही हैं, लेकिन इसमें विषय 52 हो चुके हैं। बयासवें में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची में से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, तथा एक नया विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन शामिल किया गया था। तो न्याय का प्रशासन, ये प्रविष्टि संख्या 11A में वर्णित है। वन, ये प्रविष्टि संख्या 17A में वर्णित है। फिर वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण प्रविष्टि संख्या 17B में शामिल है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन प्रविष्टि संख्या 20A में वर्णित है। शिक्षा, प्रविष्टि संख्या 25 में बदलाव के बाद आया। और फिर ये बाट एवं नाप तौल, ये प्रविष्टि संख्या 31A में वर्णित है। इसमें बाट व माप है, बाट व माप के मानक नियत करना संघ सूची का विषय है। संबद्ध सूची के किसी विषय को लेकर अगर केंद्रीय कानून या राज्य कानून में विवाद हो तो केंद्रीय कानून मान्य होगा, पर इसका एक अपवाद है। अगर ऐसे कानून पर राष्ट्रपति ने या ऐसे कानून पर राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो तो राज्य कानून भी प्रभावी रहेगा। तो अगर राज्यपाल या सॉरी राष्ट्रपति के पास भेजकर इससे अनुमोदन ले लिया गया हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली गई हो, तो स्टेट कानून भी पैरेलली लागू रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचियों की व्याख्या, तो अगर सूचियों में वर्णित किसी विषय पर केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य मतभेद हो जाएगा, यह विवाद निपटान की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। तीनों सूचियों में वर्णित विषयों में कुछ दोहराव भी पाया जाता है, जैसे जल राज्य सूची का विषय है तथा जल प्रबंधन संवर्ती सूची का, ऐसे में विवाद हो जाते हैं। शक्ति विभाजन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कई सिद्धांत दे रखे हैं। न्यायालयों ने प्रविष्टियों का अर्थ और उनके विषय को खोजने का प्रयत्न करते हुए भी कुछ सिद्धांत विकसित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत, सुप्रीमेसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो इसमें संघ की सूची की प्रधानता है। यदि कोई विषय सूची 1 के किसी प्रविष्टि के अधीन
साथ ही सूची दो के अधीन भी आता है तो सूची एक की प्रविष्टि को अधिमान दिया जाएगा। इसे संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहा जाता है। संघ की विधायी शक्ति को प्रधानता है, राज्य की सूची और संवर्ती सूची उसके अधीन है। प्रत्येक प्रविष्टि को अधिकतम व्यापक कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रविष्टि का उदारता से निर्वचन करना चाहिए और उसे अधिकतम अर्थ दिया जाना चाहिए। उसके शब्दों को जितना संभव हो विस्तारित किया जाए, किंतु इस प्रकार नहीं कि कोई अन्य प्रविष्टि व्यर्थ हो जाए। समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत, न्यायालय को प्रविष्टियों के बीच तालमेल बिठाना चाहिए तथा उनके बीच समन्वय करना चाहिए जिससे संघर्ष से बचा जा सके। संघ की सर्वोच्चता का नियम सबसे अंत में लागू किया जाता है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दोनों सूचियों की प्रविष्टियों को एक साथ पढ़े, भाषा का युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक अर्थान्वयन करे और प्रतिविष्टियों की एक दूसरे से संगत बैठाए और सामंजस्य स्थापित करे। जब इस प्रकार समन्वय असंभव हो जाता है तब संसद की अधिरोहण की शक्ति को अधिमान दिया जाता है, यानी संसद को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, सेंट्रल लॉ को ही सुप्रीमेसी दी जाती है। इसे समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस यानी सार और तत्व का सिद्धांत। जब न्यायालय के समक्ष विधान मंडल की विधान अधिनियम करने की क्षमता पर प्रश्न उठता है तो न्यायालय को यह देखना चाहिए कि वह किस सूची से संबद्ध है। सभी मामलों में ऐसा करना सरल नहीं होता क्योंकि प्रत्येक समस्या के बहुत से आयाम होते हैं और प्रविष्टियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, ओवरलैपिंग है। बंगाल साहूकारी अधिनियम में ऋणी लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसमें यह आदेश दिया गया है कि कोई साहूकार मूलधन या ब्याज दोनों को मिलाकर एक निश्चित रकम से अधिक वसूल नहीं कर सकता। इस अधिनियम का प्रभाव वचन पत्रों पर पड़ता है, जो एफिडेविट बनते हैं उन पर पड़ता है। वचन पत्र संघ सूची के विषय आते हैं। प्रिवी काउंसिल ने इस आधार पर अधिनियम को विधिमान ठहराया कि अधिनियम का सार और तत्व साहूकारी से संबंधित है, तो अब ये स्टेट का ही ला रहेगा। पिथ एंड सब्सटेंसेस यानी कि वास्तव में वचन पत्र, फॉर एग्जाम्पल जैसे वचन पत्र है ये संघ सूची में आता है, लेकिन जो वास्तव में जो बंगाल साहूकारी अधिनियम है उसके अंतर्गत ये चीजें है ना, प्रश्न अगर कोई उठा, फॉर एग्जाम्पल इसके जो ब्याज और इसका जो प्रश्न उठा मूलधन और साहूकार के जो निश्चित रकम वसूल नहीं करेगा, एक निश्चित सीमा से ज्यादा रकम नहीं वसूल करेगा, ये प्रश्न उठा ही क्यों, क्योंकि बंगाल साहूकारी अधिनियम में ऐसी चीजें दी गई थी, तो अब इसको अधिमान्य कर दिया जाएगा। FS बलसारा केस हुआ था 1951 में। मुंबई मध्य ने अधिनियम पर इस आधार पर आक्षेप किया गया कि वह प्रत्यक्ष रूप से शराब का आयात प्रतिषिद्ध करता है। आयात का विषय संघ को सौंपा गया, इसलिए राज्य को यह विधि अधिनियमित करने की क्षमता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क नामंजूर करते हुए यह उद्घोषित किया कि यह अधिनियम वास्तव में और सारवान रूप से ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य मद्य निषेध है। न्यायालय अधिनियम के प्रयोजन, उसके उद्देश्य और उसके प्रविषय और उसके उपबंधों के प्रभाव का को ध्यान में रखते हुए उसका सही चरित्र और प्रकृति खोज का प्रयास करता है। तत्व सार का सिद्धांत उस सूची की पहचान करता है जिसमें प्रश्नगत विधि को जोड़ा जा सकता है। पिथ एंड सब्सटेंसेस का विषय इसमें जोड़ा जाता है। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल जो काइंड ऑफ जो आधार कार्ड का जो बिल था वो भी पिथ एंड सब्सटेंसेस के अंतर्गत आ सकता है कि आधार कार्ड को मनी बिल की तरह पेश किया गया, पर क्या वो मनी बिल था, नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन वो पिथ एंड सब्सटेंस में फेल हो जाएगा क्योंकि वो मनी बिल था ही नहीं। उसको भले आधार बिल को मनी बिल की तरह पेश कराया गया या उसको पास करवा लिया गया, लेकिन वो मनी बिल नहीं था। तो इसमें आपका जो सब्सटेंस था वो गड़बड़ था। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कर लेवर लेजिस्लेशन यानी आभासी विधायन। जब कोई वस्तु वास्तव में वह नहीं है जो दिखाई पड़ती है तो उसे आभासी कहते हैं, अर्थात वह कुछ होने का आभास तो देती है किंतु सत्य तो यह है कि जो दिखाई पड़ता है वह भ्रम है। यह सिद्धांत एक दूसरे व्यापक सिद्धांत पर आधारित है जिसे संविधान के साथ कपट का सिद्धांत कहते हैं। इसे इस युक्ति के माध्यम से भी अभ्यक्त करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। जब कोई विधानमंडल किसी अन्य विधानमंडल के कार्य क्षेत्र में आने वाली किसी विषय पर सीधे सीधे विधान बनाता है तो वह विधि शक्तिवाह होती है और परिणामतः शून्य होती है। कभी कभी विधानमंडल यह कार्य छिपा कर अप्रत्यक्ष या छद्म रूप से करता है।
वह यह दिखावा करता है कि वह अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है, किंतु वास्तव में दूसरे के प्रदेश में अतिक्रमण कर रहा है। इस छद्म विधियन को आभासी विधियन कहा जाता है, जिसे कपटी, इसे विधायी कपट भी कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ऊपर से दिखाई देता है कि कोई कोई विधानमंडल ऐसा अधिनियम पारित कर रहा है जो उसकी शक्तियों के कार्यक्षेत्र के भीतर है, किंतु वास्तव में वह उसके कार्यक्षेत्र के बाहर है। तो यही जो मनी बिल है, तो मनी बिल पास किया गया, सॉरी मनी बिल कहते हैं ये जो आधार कार्ड का बिल था, ये पास किया गया एज अ मनी बिल। तो इसको दर्शाया ऐसे गया कि ये मनी बिल है, लेकिन ये मनी बिल कहाँ था? ये यहाँ पर तो कुछ और प्रोविजन दिए गए थे, इवन कुछ मनी बिल के हिस्से इसमें आ रहे थे, तो इसको मनी बिल बना दिया गया। तो यही है कल रेबर लेजिस्लेशन का उदाहरण। एक और उदाहरण है इसका, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 को आभासी विधान मानकर शून्य घोषित किया गया। उसका आधार यह था कि इस अधिनियम ने प्रतिकर के संदाय के सिद्धांत अधिकथित किए, किंतु वास्तव में इसमें कोई सिद्धांत थे ही नहीं। आभासी विधान के सिद्धांत में सद्भाव व दुर्भाव का प्रश्न नहीं होता है। विधानमंडल का उद्देश्य नहीं देखा जाता, या देखा जाता है कि उस विषय पर विधान बनाने की क्षमता है या नहीं, जिसमें भाव नहीं देखा जाता है। बेसिकली इसमें क्या देखा जाता है कि आपकी क्षमता है कि नहीं। शक्ति विभाजन यह अनुसूची 7 में दिया गया है। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52। तो संघ सूची के जो विषय हैं मोटा मोटा देख लो आप, तो इसमें रक्षा, विदेश संबंध, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध व शांति, बीमा, बैंक, रेलवे, डाक व तार, शेयर बाजार, संयुक्त राष्ट्र संघ, जनगणना, आयकर, किससे भिन्न है ना, आयकर ये किससे भिन्न है, फिर मतलब किसकी जो आय है इसमें नहीं आएगी, मुद्रा, रिजर्व बैंक और डिस्ट्रीब्यूटरी पावर यानी अपशिष्ट शक्तियाँ। फिर राज्य सूची में 59 विषय हैं, फॉर एग्जाम्पल लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, जेल जिसको कहते हैं, भूमि, स्थायी सुशासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, किसी आय पर कर, मनोरंजन एवं आबकारी। फिर समवर्ती सूची इसमें 52 विषय हैं, शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, बाट व मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, विद्युत, जन्म मरण पंजीकरण, आर्थिक नियोजन, मजदूरी, संघ और विवाह एवं विच्छेद। संघ सूची में प्रथम प्रविष्टि रक्षा संबंधी है, जबकि 97 पर अंतिम प्रविष्टि या अवशिष्ट विषय सब्जेक्ट दर्ज है। राज्य सूची की प्रथम प्रविष्टि में पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था लिखा हुआ है। संवर्ती सूची का पहला विषय दंड विधि है, दंड विधि है ना, पहला विषय क्या है इसका, दंड विधि। तो सूची एक यानी संघ सूची, सूची दो राज्य सूची और सूची तीन संवर्ती सूची है, तो दिख ही रहा है। अब इसमें देखते हैं प्रशासनिक संबंधों को थोड़ा सा समझते हैं। ये भाग 11 में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 256 से 263 तक। तो जो प्रशासनिक संबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, उसको देखते हैं। संविधान के भाग 11 अध्याय 2 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका आधार भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन देखा था, उसका भी आधार भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही था। संविधान के अनुच्छेद 256 से 63 तक में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 73 केंद्र की कार्यकारी शक्ति और अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमितता का उल्लेख करती है कि इसकी लिमिट क्या होगी। इस संबंध में अनुच्छेद 73 प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन तमाम विषयों तक है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उन सभी विषयों पर है जिस पर संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 162 इसी प्रकार अनुच्छेद 162 प्रावधान करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है का विस्तार उन समस्त विषयों तक है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, यानी जिन पर जो राज्य की विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कानून बना सकती है, वहां तक स्टेट लेजिस्लेचर को या स्टेट एग्जीक्यूटिव को वहां पर उसकी शक्ति वहां तक विस्तारित है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, किंतु निम्न परिस्थितियों में केंद्र राज्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। निम्न परिस्थितियों में केंद्र राज्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। पहला अनुच्छेद 256। इस अनुच्छेद के तहत संघीय कार्यपालिका राज्यों को संसदीय कानूनों की पालना करने का निर्देश दे सकती है। तो संघीय कार्यपालिका है यानी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो राज्यों को यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो संसदीय कानून बनाए गए, फॉर एग्जाम्पल CAA, तो कोई भी राज्य जैसे मान लो बहुत सारे राज्य हैं, साउथ के बहुत सारे स्टेट हैं, कहते हैं हम नहीं लागू करेंगे, तो जो संघीय न्यायपालिका, सॉरी संघीय जो
कार्यपालिका है उसको आदेश दे सकती है कि आप इसको लागू करो। क्यों? क्योंकि पूरी विधि के साथ बनाया गया है, पूरे प्रोसीजर के साथ बनाया गया है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते हो और वो क्षेत्र आपके दायरे में था है भी नहीं, तो आप कैसे उसको लागू नहीं करोगे? लागू तो करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 257, राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संघीय कार्यपालिका की शक्तियों के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इस संबंध में संघीय कार्यपालिका निर्देश दे सकती है। तो राज्य अपनी कार्यपालिका का अपनी कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर का उपयोग इस तरह से करेगा कि संघ की जो एग्जीक्यूटिव पावर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 इतने महत्वपूर्ण है कि अगर राज्य सरकारें संघ सरकार का निर्देश न माने तो अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा का राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर CAA लागू नहीं करोगे ना, कोई भी राज्य कह दे कि नहीं लागू करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इतनी ताकत है अनुच्छेद 256 और 257 में। बेसिकली ये प्रावधान ऐसे सेंटर के पक्ष में झुकाए क्यों गए? क्योंकि भारत जिस समय आजाद हो रहा था उस समय भारत में बहुत ज्यादा विघटनकारी शक्तियां काम कर रही थी। इस प्रकार की विघटनकारी शक्तियां जहां पर हर राज्य कह रहा था मुझे अलग से राज्य चाहिए, मैं अलग देश बनूंगा, अगर सेंटर को ज्यादा पावर नहीं रहेगी, लूज फेडरेशन बनेगा, तो सेंटर कोई चीज कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। और जैसे अन्य देशों का हाल हुआ है, टूट टूट कर अलग हो गए हैं, ऐसे भारत भी टूट टूट कर अलग हो जाता है, जैसा कि पाकिस्तान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान का कारण कुछ और था, लेकिन फिर भी भारत भी अभी तक खंडित हो चुका होता अगर सेंटर के पास इतनी पावर न रहती उस समय। इस समय अब वो पावर जो ट्रेडिशन है चला आ रहा है, इस समय अब थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि भारत अब उतना वल्नरेबल नहीं रह गया है। लेकिन अब ठीक है, कानून में लिख दिया गया संविधान में, तो अब उसको केंद्र सरकार क्यों ही बदलेगी? कोई अपने अपना अहित अपने से काहे करेगी। अनुच्छेद 258, राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को उसकी सहमति से या उसके अधिकारों को संघ की कार्यपालिका से संबंधित विषय सौंप सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को उसकी सहमति से या उसके अधिकारियों को संघ की कार्यपालिका से संबंधित विषय सौंप सकता है। अनुच्छेद 258A, राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कार्य संघ को सौंप सकता है। तो राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का से संबंधित कार्य संघ को सौंप सकता है। फिर अनुच्छेद 258A, संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, 7वें संशोधन जो कि 1956 में आई थी के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 261 के अनुसार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। अनुच्छेद 262A, संसद को यह अधिकार है कि अंतर राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे से उत्पन्न विवाद को निपटाने के लिए उचित कानून बनाए। संसद को अधिकार जो इंटर स्टेट जो कंफ्लिक्ट है या जो इंटर स्टेट नदियां हैं, फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी, तो विभिन्न राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होता है, फॉर एग्जाम्पल कावेरी नदी है या महानदी नदी है, जो इंटर स्टेट नदियां हैं, अगर दो राज्यों के मध्य विवाद हो गया तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ऐसा कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 262(1) में दिया गया। अनुच्छेद 262(2) में क्या दिया गया है? इस अनुच्छेद के तहत संसद विभिन्न राज्यों के मध्य चलने वाले नदी व जल स्रोत विवादों के समाधान के लिए एक ट्रिब्यूनल बना सकती है। संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों को ऐसे मामले में दखल देने से रोक सकती है। यानी जल विवाद निपटान ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। हालांकि अब तो सबका होता है तो उसका भी होता है, लेकिन जो संविधान में दिया गया है वो यही दिया गया। फिर संसद ने अनुच्छेद 262 के अनुसार नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट का, जिसे 1956 कहते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्यों की सहमति के पश्चात न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो बहुत सारे इसमें ट्रिब्यूनल बनाए भी गए हैं, जैसे कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1959 में बनता है, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश संबंधित राज्य हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में बनता है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य इसमें आते हैं, संदर्भित हैं इससे। रावी व्यास न्यायाधिकरण 1986 में बनाया, पंजाब हरियाणा के लिए। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 में बना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए। गोदावरी नदी जल विवाद, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के संदर्भ में बनाया गया।
मांडवी नदी विवाद ये गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र से रिलेटेड है, गोदावरी और मंडावी प्राधिकरण नहीं है, ये याद रखिए। फिर 263, अभी 262 दिया था, 263 देखते हैं। तो इसमें अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल पब्लिक इंटरेस्ट की सिद्धि के लिए बनाई जा सकती है। तो अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोक हित की सिद्धि के लिए की जाती है। राष्ट्रपति ही इस परिषद के संगठन प्रक्रिया और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। सचिवालय, तो इंटर स्टेट काउंसिल के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया है, जिसके अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा इसकी इनके अनुपस्थिति में इनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री इसकी अध्यक्षता कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं मौजूद हैं तो कोई भी मंत्री जो उनके द्वारा नियुक्त किया गया हो उस विषय के लिए वो उसमें कानून बना सकता है। इस परिषद की बैठक के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। यह संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसकी प्रवृत्ति केवल सलाहकारी है, रिकमेंडेटरी है, कंपलसरी नहीं। तो अंतर राज्य परिषद का क्या काम है उसको देखते हैं। तो बेसिकली इस जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका कार्य क्या है, संघ व राज्य या विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निपटान हेतु उसकी जांच करना एवं सलाह देना, संघ व राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग बढ़ाना तथा समान हित मुद्दों पर विचार विमर्श करना, कोऑर्डिनेशन के लिए सिफारिश करना। इस प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है। फिर सहकारी सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन राष्ट्रीय मोर्चे की बीपी सिंह की सरकार ने 1990 में किया। इसके लिए राष्ट्रपति ने 28 मार्च 1950 को आदेश जारी किया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री सहित शामिल होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री दिल्ली पुडुचेरी तथा प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं यूनियन टेरिटरी के। इसका अधिवेशन 3 साल में एक बार होता है, हालांकि रिडंडेंट है, नकारा है, क्योंकि यहाँ पर वही जो राज्य के मुद्दे हैं या पार्टीगत मुद्दे हैं, दलगत जो मुद्दे हैं वो पूरा अटेंशन ले लेते हैं, जो रियल मुद्दे हैं वो सामने आ ही नहीं पाते। अनुच्छेद 311, तो इसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया गया, उनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें के निर्धारित करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्य सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती है, जबकि राज्यों का पूरा प्रशासन इनके द्वारा ही संचालित होता है। तो यही जो हमने बार बार पढ़ा था ना कि जो अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये क्यों राज्यों को तंग करती हैं या राज्यों के लिए टेढ़ी खीर क्यों है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सेवा में रहते हैं, क्योंकि काम ये राज्य में करते हैं, लेकिन इनके विरुद्ध सरकार राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो यही बात है। चलिए दोस्तों, वित्तीय संबंधों के बारे में देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंध में। तो इसका जो उल्लेख है भाग 12 के अनुच्छेद 264 से 293 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 265 में कोई भी कर विधि के बिना ना तो लगाया जा सकता है ना ही संग्रहित किया जा सकता है। कर लगाने की शक्ति विधायिका के पास है, लेजिस्लेचर के पास है। संघीय कर संसद द्वारा लगाए जाते हैं। मुख्य संघीय कर कौन कौन से हैं, कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क है, निर्यात है, शुल्क है, निगम कर है। राज्य कर धर्म मंडल द्वारा लगाए जाते हैं। तो राज्य के कर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो लगाती हैं। मुख्य कर जो विधानमंडल द्वारा लगाए जाते हैं, मुख्य राज्य कर, भू राजस्व कर यानी लगान जिसे कहा जा सकता है, कृषि आय पर कर हालांकि लगता नहीं है लेकिन राज्य सरकार ही उस पर लगा सकती है, आबकारी कर और टोल टैक्स, ये सब राज्य सरकार के अधीन है। अनुच्छेद 266 में क्या दिया गया है कि इस अनुच्छेद में संचित निधि व लोक लेखा खाता यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो संचित निधि यह ऐसा कोष है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व, लिए गए ऋण तथा उधारों के प्रति जो रिपेमेंट है, से प्राप्त राशियां धनराशियां जमा की जाती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार और देखते हैं, कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या जमा होता है। तो भारत सरकार को प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व, लिए गए सभी ऋण उधारों के प्रति जो रिपेमेंट है, से प्राप्त जो धनराशियां हैं वो सब इसमें जमा होती हैं। अनुच्छेद 266 में ही राज्यों की संचित कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का वर्णन किया गया है। संचित निधि से कोई भी खर्चा संसद की अनुमति
सही हो सकता है। संसद इसके लिए विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल पारित करती है। संचित निधि में दो प्रकार के खर्च होते हैं, एक साधारण व्यय, दूसरा भारित व्यय। भारित व्यय यानी इनकर्ड एक्सपेंसेस। भारित व्यय इस पर संसद में तो चर्चा हो सकती है, पर इसकी आलोचना व मतदान इसमें नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश आदि के वेतन संचित निधि के भारित व्यय है। इन पर चर्चा तो हो सकती है, लेकिन इनकी आलोचना या इन पर मतदान नहीं किया जा सकता है। दे आर नॉट वोटेड अपॉन। अनुच्छेद 266(2) में लोक खाता या सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो इस अनुच्छेद में भारत के लोक खाते तथा राज्य के लोक खातों का प्रावधान किया गया है। लोक खातों में सरकार द्वारा प्राप्त अन्य सभी लोक राशियां ऑल अदर पब्लिक मनीज जमा की जाती हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा नहीं की जाती हैं, वह लोक खाते में जमा किया जाता है। इसमें लघु बचतों, जमाओं और भविष्य निधि को जमा किया जाता है। लोक खाते में जमा राशि सरकार की नहीं होती है, इस संबंध में यह सिर्फ बैंकर या संरक्षक कस्टोडियन की होती है। अतः जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए जब इस खाते से धन निकाला जाता है तो संसद या विधानमंडल की अनुमति आवश्यक नहीं होती। लोक लेखा खाता कार्यपालिका के अधीन होता है, कार्यपालिका के अधीन होता है यानी कि एग्जीक्यूटिव के अधीन होता है। अनुच्छेद 267 की आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड की बात की गई है। 267(a) में भारत की आकस्मिक निधि व 267(2) में राज्यों की आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। यह अग्रदाय टकित यानी इम, तो बेसिकली अग्रदाय प्रकृति की होती है यानी इम्प्रेस्ड नेचर की होती है। तो इम्प्रेस्ड नेचर की मतलब, इसका मतलब क्या है, अग्रदाय प्रकृति की मतलब एक ऐसा कैश या एक कैश अकाउंट, तो एक ऐसा कैश अकाउंट जो एक बिजनेस रिलाई करता है अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल रूटीन एक्सपेंसेस हैं, चाय के खर्चे या कि अन्य जो खर्चे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, चाय नाश्ता किया आपने, कुछ अन्य जो चीज़ें हैं उस प्रकार की नेचर की है, मतलब जो इम्प्रेस्ड नेचर है ये उससे संबंधित है। इस नीति में ऐसे आकस्मिक और अनअपेक्षित अनफोर्सिन व्यय की पूर्ति की जाती है जिसे संसद के अनुमोदन तक टाला नहीं जा सकता। इस नीति से व्यय के लिए संसद की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक व्यय के बाद संसद द्वारा अनुमोदन इसमें किया जाना आवश्यक होता है। संसद के अनुमोदन के पश्चात इस विधि से व्यय धनराशि की संचित निधि से पूर्ति की जाती है। जो कंटिजेंसी निधि है ये राष्ट्रपति के अधीन होती है। अनुच्छेद 268 से 272 तक संघ व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा किया गया है। संघ द्वारा लगाए जाने वाले कर जिन्हें राज्य ही वसूल करता है और राज्य ही प्रयोग करता है, स्टाम्प शुल्क, औषधि व सौंदर्य प्रसाधन पर कर 268 में दिया गया है। तो संघ द्वारा लगाए जाने वाले ऐसे कर जिन्हें राज्य ही वसूलता है, फिर संघ लगाता है तथा एकत्र करता है पर राज्यों को दे देता है। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय पर जो कर होता है, कृषि भूमि के अलावा जो उत्तराधिकार कर होता है, अनुच्छेद 269 में दिया गया। ऐसे कर जो संघ लगाता है, एकत्र करता है पर बंटवारा संघ व राज्य दोनों के मध्य होता है, इसमें वे सभी कर आते हैं जो संघ सूची में वर्णित है। जो सीमा संविधान संशोधन हुआ था के बाद सभी संघीय करों का विभाजन केंद्र व राज्यों के मध्य किया जाता है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों को इसमें से 32% हिस्सा मिलता था। ऐसे मुख्य कर हैं आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क कर आदि। अनुच्छेद 270 में इसको दिया गया। अनुच्छेद 275 और 282 का संबंध राज्यों को केंद्र से मिलने वाले सहायतार्थ अनुदान यानी ग्रांट इन एड से है। ये अनुदान दो प्रकार के होते हैं, विधिक अनुदान व विवेकी अनुदान। विधिक अनुदान ये अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद संचित निधि से राज्यों को अनुदान दे सकती है। तो विधिक अनुदान के अलावा विवेकाधीन अनुदान जो दिए जाते हैं उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 282 के तहत यह अनुदान केंद्र सरकार राज्यों को योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध करवाती है। ये अनुदान पहले योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार आवंटित किए जाते थे, अब नीति आयोग बनने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा इनका आवंटन किया जाता है। इन विवेकाधीन अनुदानों के कारण ही केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद होता है, क्योंकि अनुदान देते वक्त केंद्र विभिन्न राज्यों के मध्य भेदभाव करता है। तो जहां पर सिमिलर पार्टी की सरकार होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर केंद्र सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी के शासित अगर कोई राज्य है तो वहां पर आसानी से फंड दे दिए जाते हैं, लेकिन अगर टीएमसी का है तो ममता दीदी को नहीं मिलेगा। बात यह
मिलेगा लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा, तो क्या मतलब फिर फाइनेंशियल रिलेशन तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। संविधान को जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, उसके अनुसार अनुच्छेद 269A अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 269A के अनुसार अंतर राज्य यानी इंटर स्टेट व्यापार या वाणिज्य के दौरान प्रदाय पर GST भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किया जाएगा तथा उस रीति से जो संसद द्वारा विधि द्वारा GST काउंसिल की सिफारिशों पर उपबंधित किया जाए, संघ व राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। राज्यों को संघ से अनुदान यानी ग्रांट इन एड, तो अनुच्छेद 273, 75 और 282 के अनुसार अनुच्छेद 273, 275, 282 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को तीन प्रकार के अनुदान दे सकता है। वित्तीय संबंधों के अंतर्गत अनुदान के बारे में भी तीन अलग अलग प्रावधान हैं। अनुच्छेद 273 के अनुसार अनुदान संविधान के लागू होने से 10 वर्ष तक के लिए जारी किया गया था, जिसमें असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार अनुच्छेद 275 विधिक अनुदान है, ये स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है, जबकि 282 ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट है यानी विवेकाधीन अनुदान है। अब ऋण लेने संबंधी उपबंध, तो अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्र को यह अधिकार है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सकती है। अनुच्छेद 293 के अंतर्गत भारत के राज्यों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही ऋण लेने का अधिकार है, तो राज्य सरकारें बाहर से जाकर ऋण नहीं ला सकती हैं, राज्य के भीतर ही वो ले सकती हैं। अनुच्छेद 274 ऐसा कराधान जिससे राज्य हित बद्ध है पर डालने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जा सकेगा। अनुच्छेद 292 संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार ले सकती है या गारंटी दे सकती है। अब GST काउंसिल के बारे में देख लेते हैं, तो इसको 279A में उपबंधित किया गया है। तो राष्ट्रपति जो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर आदेश द्वारा GST काउंसिल नाम से एक ज्ञात परिषद का गठन करेगा। तो GST काउंसिल निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, तो इसमें जो केंद्र सरकार का वित्त मंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा, फिर संघ का भार साधक राजस्व या वित्त राज्य मंत्री सदस्य होगा, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट वित्त या कराधान का भार साधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री इसमें शामिल होगा, फिर माल व सेवा कर परिषद के सदस्य यथाशीघ्र ऐसी अवधि के लिए जो निश्चित करें अपने में से एक को परिषद का उपाध्यक्ष चुनेंगे, फिर माल व सेवा का परिषद की उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों के आय सदस्यों से मिलकर होगी। GST काउंसिल को राजकोषीय सहकारी संघवाद यानी फिस्कल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब अनुच्छेद 280 के बाद देखते हैं, ये इसमें फाइनेंशियल कमीशन की बात की गई है, फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय है। तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने हेतु वित्त आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य शामिल होते हैं। ये 4 सदस्य वित्तीय मामलों के अनुभवी होते हैं, विधिक मामलों के अनुभवी होते हैं, नागरिक सेवा का अनुभवी होता है और लोक सेवा के अनुभवी लोग होते हैं। वित्त आयोग की सदस्या हेतु अर्हताओं का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। फिर अनुच्छेद 282 के इस आलोक में संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित करते हुए उपबंधित किया गया है कि आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में अनुभव होगा, यानी हम और आप इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सार्वजनिक मामलों का ज्ञान नहीं। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष कैसे नियोगी थे। 14वां वित्त आयोग जहाँ पर 32% टैक्स राज्यों को देने की बात की गई थी 2015 से 20 के बीच में बैठता है, और ये इसके अध्यक्ष कौन थे, वाई बी रेड्डी। और 15वां वित्त आयोग जो कि 2020 से 25 तक है, इसके अध्यक्ष एन के सिंह रहे हैं। फिर वित्त आयोग के कार्य क्या हैं, तो ये वित्त आयोग के कार्य सिफारसी प्रकृति के हैं, यानी कि ये रिकमेंडरी इन नेचर है, माने इनका काम केवल रिकमेंडेशन देना है, ये कंपलसरी नहीं है।
फिर आयोग का मुख्य कार्य संघ व राज्यों के मध्य करों का विभाजन है। अनुच्छेद 275 के अनुसार राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान उपलब्ध करवाने की सिफारिश करना इसका कार्य है। फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद वित्त आयोग राज्यों की संचित निधि से पंचायतों व नगर निकायों को आर्थिक सहायता व राज्यों की संचित निधि सुदृढ़ करने के बारे में सलाह देता है। देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग को हर बार नए विषय सौंपते हैं, यह इसका मुख्य कार्य है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति से संसद पटल पर रखवाता है। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग के प्रतिवेदन वार्षिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद के विषय क्या क्या है उनको देख लेते हैं। संविधान लागू होने से लेकर चतुर्थ आम चुनाव यानी 1967 तक केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध सहयोग एवं सद्भावपूर्ण रहे, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी। इस कारण कांग्रेस का वर्चस्व रहा। केंद्र व लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। 1950 से 1967 के मध्य जो थोड़े बहुत विवाद केंद्र व राज्यों के मध्य हुए उन्हें पार्टी के आंतरिक झगड़े या पारिवारिक झगड़े मानकर सुलझा लिया गया। 1967 के चौथे आम चुनाव में जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में लड़ा गया था में कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हो गया तथा 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आ गईं। बहुत बड़ा झटका था और कांग्रेस सिस्टम का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर 1967 के बाद केंद्र व राज्यों के मध्य टकराव शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चे की सरकार, तमिलनाडु की डीएमके की सरकार तथा पंजाब में अकाली दल ने राज्यों को आर्थिक शक्तियां देने और सत्ता की मांग उठाना शुरू कर दिया। 1970 में डीएमके सरकार के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने नारा दिया कि सेल्फ रूल इन द स्टेट एंड कंपोजिट रूल इन द सेंटर। करुणानिधि यही नहीं रुके और एक नारा दिया कि भारत 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 वालों के लिए है, तमिलनाडु तमिल लोगों के लिए है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने कहा केंद्र एक मिथक है ना। तो कुल मिला के ये केंद्र और जो केंद्रीकरण है उसकी ये बुराई स्टार्ट करते हैं। 1967 के बाद हुए विवादों को प्रोफेसर इकबाल नारायण ने निम्न श्रेणियों में बांटा है। तो 3 श्रेणियां हैं। पहला इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, संस्थागत विवाद हुए हैं, राज्यपाल की नियुक्ति या बर्खास्तगी को लेकर जो विवाद है उन्हें इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट के अंतर्गत रखा जाता है, या अखिल भारतीय जो सेवाएँ हैं ये सब इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट यानी कार्यात्मक विवाद, तो इसमें केंद्रीय कानूनों को राज्य कानूनों में लागू करना। फिर राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति, राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप, राष्ट्रपति शासन लगाना, राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयकों को आरक्षित करना, ये सब फंक्शनल कन्फ्लिक्ट थे। यानी कि कुछ ना कुछ कार्य किए जा रहे थे केंद्र द्वारा जिसके कारण कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। फिर इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट आया, कुछ आर्थिक विवाद आया। तो 2015 से पहले योजना आयोग की भूमिका ये केंद्रीकृत थी, यानी कि केंद्र से ही सारे फंड भेजे जाते थे और इवन जो प्लानिंग कमीशन है उसके रिकमेंडेशन पर ही सारे फंड सभी राज्यों को बांटे जाते। फिर जो कम्प्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं वो भी एक मुद्दा रहा। इसके साथ ही साथ केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्तीय बंटवारा है वो भी एक कंफ्लिक्ट का मुद्दा रहा। विवाद के विषय, तो राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका तथा अनुच्छेद 356। राज्यपाल की भूमिका के संबंध में पहला विवाद 1967 में राजस्थान में उठा, जब तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद ने पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद 1967 में ही बड़ा विवाद पश्चिम बंगाल में उठा, जहां गवर्नर धर्मवीर ने अजय मुखर्जी की गैर कांग्रेसी सरकार को विघटित कर दिया। बाद में ऐसे कई विवाद और उठे। आंध्र प्रदेश में 1984 में राज्यपाल रामलाल व तेलुगु देशम पार्टी के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव मध्य विवाद हुआ। तमिलनाडु की सीएम जयललिता व राज्यपाल चन्ना रेड्डी के मध्य संघर्ष हुआ। फिर हरियाणा में राज्यपाल जीडी तपासे व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल, उत्तर प्रदेश में रोमेश भंडारी व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बीच काफी विवाद हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ राज्यपाल उपराष्ट्रपति बन गए हैं कि मध्य विवाद काफी प्रसिद्ध रहे हैं। फिर संविधान का अनुच्छेद 356 जिसे अंबेडकर ने सेफ्टी वाल्व या अमृत प्राय कहा है, डेड लेटर की तरह इसको यूज करने के लिए कहा है।
केंद्र राज्य संबंधों को तनावपूर्ण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो डेड लेटर ये कब लिविंग लेटर बन गया, डेडली लेटर बन गया पता ही नहीं चला। फिर राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति, इससे भी कहीं ना कहीं मामले बिगड़ते हैं। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सूची का विषय है, पर केंद्र सरकार अव्यवस्था के कारण राज्यों में जब केंद्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति करती है तो राज्य अपनी स्वायत्तता में हस्तक्षेप बताकर इसका विरोध करते हैं। अनुच्छेद 355 के तहत राज्यों की बाहरी आक्रमणों एवं आंतरिक अव्यवस्था सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, केंद्र ऐसा करता है। फिर योजना आयोग की भूमिका एवं राज्यों को अनुदान, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा 15 मार्च 1950 को एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेट्यूटरी परामर्शदात्री निकाय के रूप में योजना आयोग बनाया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों का मनोनयन प्रधानमंत्री ही किया करते थे। योजना आयोग का मुख्य कार्य देश के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, पर बाद में यह सुपर कैबिनेट की तरह व्यवहार करने लगा। हालांकि आयोग की भूमिका सलाहकारी थी, तथा पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी गैर संवैधानिक व गैर संविधिक थी, इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, योजना आयोग के सदस्य तथा राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के सभी मुख्यमंत्री या प्रशासक इसके सदस्य थे। धीरे धीरे राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका तो रबर स्टैम्प वाली हो गई तथा योजना आयोग ने शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया। योजना आयोग ने नियोजन का केंद्रीकरण कर जहां संघवाद को धक्का पहुंचाया, वहीं केंद्र राज्य संबंधों के मध्य विवाद का कारण भी बना। क्योंकि राज्यों के आय के साधन कम है, अतः योजनागत व्यय तथा कल्याणकारी कार्यों के लिए राज्य योजना आयोग के दरवाजे पर भीख का कटोरा लेकर खड़े रहते थे। राज्यों को सहायता अनुदान यानी जो सहायता अनुदान है वह योजनागत व्यय उपलब्ध करवाने में योजना आयोग दलीय आधारों पर राज्यों से भेदभाव किया करता था। जिन राज्यों में सत्तारूढ़ दल की विरोधी सरकारें होती थी वे राज्य अक्सर भेदभाव का आरोप लगाते थे। हालांकि अब योजना आयोग बीता इतिहास हो चुका है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने जगह इसकी ले ली है। योजना आयोग की संक्षिप्त में केंद्र राज्य तनाव व विवाद के क्षेत्र, राज्यपालों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी, राज्यपालों का पार्टीवादी व पक्षपातपूर्ण रवैया, फिर अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग, इस अनुच्छेद ने सबसे ज्यादा विवाद पैदा किए हैं। राज्यों में कानून व्यवस्था हेतु केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल द्वारा अर्चित करना, राज्यों के वित्तीय आवंटन में केंद्र द्वारा भेदभाव, योजना आयोग की एकात्मक संघवाद की प्रकृति एवं प्रवृत्ति, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण, CBI से यानी सेंट्रल विजिलेंस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तथा ED का दुरुपयोग जो कि वर्तमान में भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। राज्यों के मध्य तनाव, तो एक बेलगांव विवाद था। बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक का भाग है। बेलगांव को लेकर कर्नाटक को महाराष्ट्र में विवाद है। यहाँ मराठी भाषी ज्यादा संख्या में है, इसलिए महाराष्ट्र इसकी मांग कर रहा है। बेलगांव विवाद समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 1966 में महाजन आयोग का निर्माण किया था। मिहर चंद महाजन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, पर अब तक इस विवाद का समाधान नहीं हो पाया। कासरगोड़ा विवाद यह केरला में है, इसे कर्नाटक प्राप्त करना चाहता है। कासरगोड़ा विवाद, चंडीगढ़ विवाद, इसे लेकर पंजाब और हरियाणा के मध्य विवाद है, जिसके समाधान के लिए 1966 में शाह आयोग का गठन भी किया गया था। रंगापानी क्षेत्र विवाद, तो यह विवाद असम व नागालैंड के मध्य है। रंगापानी असम में है, जिसे नागालैंड अपना बताता है। विवाद निपटाने के लिए BK सुंदरम आयोग बनाया गया था। दिलीप पंडागांवकर समिति का गठन मनमोहन सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किया। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान एवं विभिन्न समूहों से वार्ता के लिए RBI के पूर्व चेयरमैन दिनेश्वर शर्मा को विशेष प्रतिनिधि बनाया था। अब केंद्र राज्य संबंधों पर गठित कुछ आयोग हैं, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में आता है। आयोग ने 13 रिपोर्ट दी, जिनमें 9वीं केंद्र राज्यों पर जो 9वीं रिपोर्ट थी वो केंद्र और राज्यों से संबंधित थी। गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ। मोरारजी देसाई के उप मुख्यमंत्री बनने के कारण के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर MC शीतलवाड़ समिति 1966 में आती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो कि 1966 में हुआ था कि अनुशंसा पर विचार हेतु
एनसी सितलवाड़ समिति का गठन किया गया। सितलवाड़ समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था। फर्स्ट एआरसी ने ही केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए इस अध्ययन दल का गठन किया था। फर्स्ट एआरसी की सिफारिशें क्या थी कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का लंबा अनुभव रहा हो तथा उस दल पर दलीप पूर्वाग्रहों तथा उस पर दलीप पूर्वाग्रहों तथा लाग लपेट से ऊपर उठने की क्षमता हो। राज्यपाल नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री से परामर्श ली जानी चाहिए, यह एक स्वस्थ परंपरा है और यह जारी रहनी चाहिए। राज्यपालों द्वारा स्वविवेकी या विवेकाधीन शक्तियों डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग किस तरीके से किया जाना है इस पर दिशा निर्देशों को इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि विधानसभा का मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं रह गया है तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने की सलाह नहीं देता है तो राज्यपाल स्वप्रेरणा से विधानसभा का सत्र आहूत कर सकता है। जब मंत्रिपरिषद एक प्रमुख नीतिगत मुद्दे यानी मेजर पॉलिसी इशू पर विधानसभा में पराजित होती है और यदि वर्तमान मुख्यमंत्री राज्यपाल को मतदाताओं के फैसले को प्राप्त करने के लिए विधानसभा भंग करने की सलाह देता है तो राज्यपाल को सलाह स्वीकार करनी चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए। कार्यकाल पूरा होने पर राज्यपाल को आगे नियुक्त के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति पर न्यायाधीशों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि एक न्यायाधीश जो सेवानिवृत्ति पर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करता है और विधायक लेजिस्लेटर बन जाता है या निर्वाचन के बाद किसी पद पर रहता है उसे राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आयोग नहीं माना जा सकता है। राजमन्नार आयोग 1969 में बनता है तो 1969 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार जो मुख्यमंत्री एम करुणा नदी ने केंद्र राज्य संबंधों पर जांच समिति सेंट्रल स्टेट रिलेशन इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। इसके अध्यक्ष बीपी राजमन्नार थे इसलिए इसे राजमन्नार समिति कहा जाता है। केंद्र ने इस समिति की सिफारिशों को खारिज कर दिया था। आयोग के अध्यक्ष बीपी राजमन्नार थे जबकि दो अन्य सदस्य एएल मुदलियार और चन्ना रेड्डी थे। इस समिति ने 1971 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें एकात्म संघवाद यानी संघ की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की सिफारिशें दी गई थी। तो आयोग की मुख्य सिफारिशें तो इंटर स्टेट काउंसिल जो कि अनुच्छेद 263 में है तत्काल स्थापना की जाए। इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देते हुए सभी मुख्यमंत्रियों उनके नामित प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री अध्यक्ष सम्मिलित हों। कोई भी केंद्रीय मंत्री इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व इंटर स्टेट काउंसिल की राय के लिए उनके पास रखे जाने चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल की सिफारिशें केंद्र व राज्यों के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए। अब जो शक्तियाँ राज्यों में निहित की जाएँ फिर विधान परिषद के गठन और उत्साधन का अधिकार केवल राज्य विधानसभा का ही होना चाहिए। फिर विधान वित्त आयोग एक स्थायी निकाय होना चाहिए और उसकी सिफारिशें केंद्र व राज्यों के बीच बाध्यकारी होनी चाहिए। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद च्युति का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राज्य कैबिनेट की सलाह यानी कंसल्टेशन से होनी चाहिए। राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं माना जाना चाहिए। उसे केवल सुप्रीम कोर्ट की जाँच में साबित होने पर ही कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहने का प्रावधान खत्म किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को भविष्य के लिए समाप्त करने हेतु अनुच्छेद 312 को खत्म कर देना चाहिए। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन बिना राज्य की सहमति के नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में जनसंख्या को आधार नहीं मानते हुए सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राज्यसभा में नाम निर्देशित सदस्यों का प्रावधान समाप्त होना चाहिए। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF को किसी राज्य में केवल उस राज्य के अनुरोध या सहमति में ही तैनात किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 355 में इसी अनुरूप संशोधन किया जाना चाहिए। फिर इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है के सभी विवादों या सभी विषयों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की नियुक्ति में किसी एक राज्य से कुल मंत्रियों की संख्या 1/5 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर संविधान में राष्ट्रपति शासन संबंधित अनुच्छेद 356 और 365 हटाए जाएं, राज्यपाल की शक्तियां कम की जाएं और योजना आयोग को समाप्त किया जाए। ये था राजमन्नार कमेटी की सिफारिशें।
अब अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन आता है 1973 में, तो यह पंजाब सरकार यानी यह पंजाब की अकाली दल सरकार ने रखा था। अनंतपुर साहिब प्रस्ताव के अनुसार रक्षा, संचार, विदेश, रेलवे व मुद्रा को छोड़ बाकी सारे विषय राज्यों को सौंप दिए जाने चाहिए। फिर पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम या स्मरण पत्र 1977, तो मेमोरेंडम पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने दिया, जिसमें राज्यों की शक्तियाँ बढ़ाने व संघ की शक्तियों को हटाने की मांग की गई थी। संविधान में यूनियन की बजाय फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाए। फिर संघ सरकार की शक्तियों को केवल रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार और आर्थिक समन्वय तक सीमित कर दिया जाए, शेष सभी विषय राज्य में हस्तांतरित कर दिए जाएं। इसी प्रकार अपशिष्ट शक्तियों को राज्य सूची में रखा जाए, अनुच्छेद 356, 57 और 60 को समाप्त कर दिया जाए, अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त की जाए तथा भारत में केवल केंद्रीय और राज्य सेवाएं होनी चाहिए। नए राज्यों का निर्माण एवं राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में संबंधित राज्यों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। तो हमने सरकारी आयोग, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने केंद्र राज्यों के मध्य बढ़ते विवाद को मद्देनजर जून 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बनाया। आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, बी शिवरामन और डॉक्टर एस आर सेन। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 4 साल बाद यानी 1987 में दी थी। आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जो जनवरी 1988 में प्रकाशित हुई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार की शक्तियों में कमी वाली मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया। सरकारी आयोग की कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाए। राज्य की आयोग की अनुशंसा पर आयोग की अनुशंसा मान 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया था। सरकारी आयोग ने केंद्रीय नियोजन यानी योजना आयोग, अखिल भारतीय सेवाओं अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन और राज्यों में केंद्रीय बल भेजने आदि को आवश्यक माना। समर्थित सूची पर कानून बनाने से पूर्व केंद्र सरकार को राज्यों से भी परामर्श लेना चाहिए। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, का पुनर्गठन कर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का सुझाव दिया। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए तथा राज्य विधानसभा को संसद की स्वीकृति इसके बाद ही भंग किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं की को आवश्यक माना और कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की सिफारिशें भी दी, जैसे कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा एवं शिक्षा के लिए तथा कृषि, सहकारिता, उद्योग के लिए भी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 200, 356, 357, 365 को हटाने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के राय के लिए आरक्षित करे तो इस पर 4 महीने के अंदर निर्णय दिया जाना चाहिए। भारत में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना चाहिए। राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात करते समय संभव होने पर परामर्श कर लेना चाहिए, किंतु यह परामर्श केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकती है। सरकारी आयोग का राज्यपाल के पद के संदर्भ में जो सिफारिशें हैं, राज्यपाल एक विशिष्ट व्यक्ति हो जिसका संबंध स्थानीय दलीय राजनीति से ना हो, निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। फिर राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए हो, उसे 5 वर्ष के पूर्व हटाया ना जाए। राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व प्रधानमंत्री की सॉरी चीफ मिनिस्टर की सलाह ली जाए। पुंछी आयोग 2007 में बनता है, इसकी रिपोर्ट 2010 में आती है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार हेतु मनमोहन सिंह सरकार ने 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। आयोग 5 सदस्यीय था। अन्य 4 सदस्य धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, माधव मोहन और अमरेश बागची। आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? राज्यपाल के संदर्भ में सरकारी आयोग के समान ही इसकी सिफारिशें थी। चुनाव पूर्व गठबंधन को एक दल माना जाए ताकि मुख्यमंत्री नियुक्ति में ज्यादा विवाद न हो। राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा में अभियोग की प्रक्रिया हो। वर्ष 2000 में गठित संविधान समीक्षा आयोग, जिसे मिगर चलैया आयोग भी कहा जाता है, इस आयोग की सिफारिश को आधार मान पुंछी आयोग ने भी कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर हो जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हो। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक 4 महीने के ज्यादा रोका नहीं जाए। राज्यों को ज्यादा वित्तीय सहायता या ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता दी जाए तथा पंचायती राज को मजबूत किया जाए। आयोग के अनुसार अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन होना चाहिए।
उन्होंने आपातकालीन प्रावधानों के स्थानीय प्रयोग का समर्थन किया। उदाहरण के लिए किसी जनपद के भाग में भी आपातकाल लागू किया जा सकता है, उसके अनुसार आपातकाल 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। स्थानीय आपातकाल की संकल्पना दी और कहा कि इसके साथ राज्य सरकार काम करती रहे और विधानसभा विभंग नहीं की जाएगी, तथा एक ऐसी पद्धति का विकास किया जाए जिसमें केंद्र सरकार द्वारा किसी विशिष्ट स्थानीय मुद्दों पर कार्यवाही की जाएगी। GST को अपनाने की सिफारिश दी। आयोग ने राज्यपालों की मनमानी तरीके से बर्खास्तगी की आलोचना की। आयोग के अनुसार राज्यपालों को राजनीतिक फुटबॉल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयोग ने राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष निश्चित करने की मांग की थी। आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की अनुशंसा की थी। आयोग ने आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अमेरिका के बाद राष्ट्रीय एकता परिषद यानी नेशनल यूनिटरी काउंसिल की ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, या नेशनल इंटीग्रेशन जो काउंसिल है उसको ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाने की मांग की। आयोग ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की वर्ष में कम से कम एक बार सम्मेलन करने को अनिवार्य बताया। फिर केवल संसदीय सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए संघ को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून नहीं बनाना चाहिए। समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय अंतर राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल को अंकेक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी समीक्षा का, यानी कुल मिला के ऑडिटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए। किसको? इंटर स्टेट काउंसिल को। असार मुंबई बाद जो कि 1994 में हुआ था, में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को संविधान में जोड़ा जाए। संघीय ढांचे को सख्त करने के लिए राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसकी भूमिका अधिक प्रभावी हो तथा राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। भगवान सहाय समिति 1971 में आती है। इस समिति ने सिर्फ मुख्यमंत्री व राज्यपालों के संबंधों को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले वर्तमान के मुद्दे, पहला है GST। यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान दर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यह एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है। GST में केंद्र व राज्य के विभिन्न करों को शामिल किया गया है। केंद्रीय कर में सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क आदि आती हैं। राज्य करों में सेल्स टैक्स, वेट, मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि आता है। GST की सिफारिश सर्वप्रथम 2003 में केलकर समिति ने दी थी। 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा GST का प्रावधान किया गया था। 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 101 जो 101वां संविधान संशोधन है से प्रभावित अनुच्छेद व नए प्रावधान, तो अनुच्छेद 246A(1) संसद व राज्य विधान मंडल GST के संबंध में कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 246A(2) संसद को आवश्यक दी गई है कि वह अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य हेतु देश संपूर्ण देश के लिए GST संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 269A अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान GST केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्राहित व संग्रहित एकत्रित किया जाएगा। GST परिषद की सिफारिश पर केंद्र राज्यों के मध्य वितरण किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 279A तो इसमें GST काउंसिल का प्रावधान किया गया है। यह परिषद कर की दरों का निर्धारण और वितरण का कार्य करेगी। केंद्रीय वित्त परिषद या केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त व राजस्व मंत्री इसके सदस्य होते हैं। हालांकि GST परिषद सहकारी राजकोषीय संघवाद का प्रतीक है, फिर भी GST व्यवस्था पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसमें राज्यों की कर निर्धारण की शक्ति को अत्यंत कम कर दिया गया तथा राज्यों की केंद्र पर जो आर्थिक निर्भरता है पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब जो CAA आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें भी केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष है। तो इस अधिनियम द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान यह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हैं को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें मुसलमानों से अलग कर दिया गया है। इस अधिनियम से जहां भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि अनुच्छेद 14 के तहत दी गई समानता की गारंटी का उल्लंघन हुआ है, वहीं इसने केंद्र राज्य संबंधों में भी तनाव पैदा किए हैं। तत्कालीन केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि विरोधी दल की राज्य सरकारों ने इस कानून का विरोध किया तथा लागू करने से मना कर दिया।
अंदाजों का आक्षेप है कि यह केंद्र की भाजपा यानी एनडीए सरकार ने धार्मिक दुर्भावना के तहत इसे पारित किया है। अनुच्छेद 279A, तो इसमें माल और सेवा कर परिषद राष्ट्रपति संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के आरंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर आदेश द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल नाम से एक परिषद का गठन करेगा। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू करने से मना कर दिया है, पर यह भारत की संघात्मक संरचना के अनुकूल नहीं है। नागरिकता का विषय केंद्र सरकार का है, इसे संसद ने पारित किया है एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है। तो ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है, इसको हटा दीजिएगा, ये ऊपर का मुद्दा ही आ गया है। अपन को यहाँ से सीधे यहाँ आना, यहाँ से यहाँ आना। किसान आंदोलन, तो केंद्र सरकार में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता अधिकार प्रदान करना सुरक्षा अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 ने पूरे देश में संवैधानिक वैधता पर बहस छेड़ दी। एक तरफ जहां किसान इन्हें काले व शोषणकारी कानून बताकर विरोध कर रहे थे, वहीं जिन राज्यों में बीजेपी या उससे समर्थित सरकार की दलें थी, दलों की सरकारें नहीं है, उनकी सरकारें इन अधिनियमों को अपने अधिकारों और स्वायत्तता पर अधिग्रहण बता रही हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि कृषि राज्य सूची यानी प्रविष्टि संख्या 14 का हिस्सा है, जिस पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, ना कि संसद। इसी को आधार बना पंजाब आदि राज्यों ने इन्हें लागू करने से मना कर दिया था। विरोध के बाद केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़ गए थे। कोविड महामारी ने भारतीय संघवाद को कमजोर किया है, इसने सहकारी संघवाद पर संकट खड़ा कर दिया है। राज्य लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन व कोविड का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जो तदर्थ बाध्यकारी निर्देश यानी एडहॉक बाइंडिंग गाइडलाइंस जारी किए हैं, राज्य उनका विरोध कर रहे हैं। राज्यों का यह भी आरोप है कि कोविड महामारी ने राज्यों की आर्थिक हालत पतली कर दी है तथा राज्य आर्थिक रूप से केंद्र पर और ज्यादा निर्भर हो गए हैं। यह था प्रथम लहर का प्रभाव जो मार्च से जुलाई 2020 तक था। कोरोना की दूसरी लहर जो अप्रैल से मई 2021 में आई थी, इन्हें वैक्सीन वितरण, ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता को लेकर संघ व राज्यों के बीच हुए संघर्ष ने सहकारी आंदोलन को ठेस पहुंचाई है। कुछ राज्यों का आरोप था कि वैक्सीन व दवा वितरण में तथा ऑक्सीजन आपूर्ति में केंद्र सरकार ने भेदभावपूर्ण समतोला व्यवहार अपनाया था। फिर CBI व ED का प्रयोग, तो राज्यों के राजनीतिक अधिकारी यह आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार विरोधी दलों के नेताओं को डराने धमकाने के लिए CBI व ED जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। 106वां संविधान संशोधन, तो 28 सितंबर 2023 को भारतीय संसद ने 128वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और संसद के विशेष सत्र में इस विधेयक को नारी बंधन विधेयक के नाम से मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के अधीन अनुच्छेद 239AA, अनुच्छेद 330, 332, अनुच्छेद 334 में कुछ प्रावधान जोड़े गए। इसके तहत लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 239AA2 में उपधारा बी में तीन प्रावधान जोड़े गए हैं। BA में महिलाओं के लिए NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। BB में इसके तहत आरक्षित सीटों में से 1/3 वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। फिर BC के तहत यह आरक्षण का प्रावधान संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 330 में वहीं तीन प्रावधान जोड़कर 330A1, A2, A3 के तहत हाउस ऑफ पीपल्स इन द सेंस की लोकसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, उनमें से 1/3 SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो 1/3 जो सीटें, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 में 33 सीटें आरक्षित की गई, तो 33 में भी 1/3 सीटें SC ST कम्युनिटी की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ भी जो NCT है, इसके तहत भी बेसिकली 1/3 जो सीटें हैं SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। फिर अनुच्छेद 232 की, अनुच्छेद 32A में उपधारा A1, 2, 3 जोड़कर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्यों के विधानसभाओं में 1/3 किया गया है। अनुच्छेद 334 में उपधारा 1 जोड़कर इस प्रावधान को
2023 के बाद होने वाली जनगणना पर आधारित परिसीमन से तय किया जाएगा तथा इस प्रावधान के लागू होने के बाद यह आगामी 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। क्या आरक्षण एनसीटी दिल्ली लोकसभा विधानसभाओं के लिए यह आरक्षण का प्रावधान तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद ऐसा निमित्त करे। आरक्षित सीटों का रोटेशन हर परिसीमन के बाद संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। यह प्रावधान वर्तमान में प्रभावी किसी भी विधायिका चाहे एनसीटी दिल्ली हो राज्यों के विधानसभाओं या लोकसभा पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो 2023 के बाद होने वाली जनगणना पर आधारित परिसीमन, तो जनगणना कब होगी फिर उसके बाद जो परिसीमन आयोग बनेगा उसके आधार पर ये 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा लड़ाई दूर है, अभी दिल्ली दूर है। चलिए दोस्तों, यहाँ से एक बहुत बड़ा चैप्टर समाप्त होता है जिसे हम केंद्रीय संबंधों के नाम से जानते हैं या जिसे हम फेडरलिज्म के नाम से पढ़े थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो सीरीज कैसे लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। इसके साथ ही साथ आप चैनल को अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि चैनल ग्रो करने में आप अपना हिस्सेदारी निभाएं तो मेंबरशिप आप ले सकते हैं, मात्र 29 रुपये में है। उसके साथ ही साथ आप थैंक्स का बटन दबा सकते हैं जो कि इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है उसको एक स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए, तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर निर्भर हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।